हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में JBT की आपकी वैकेंसी निकली थी अगस्त के अंदर 293 पोस्ट पे। उस वैकेंसी को अब जो है कैंसिल कर दिया गया है और नए सिरे से आपकी वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? अब जब ये चीज़ें हुई है तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था अब उनका क्या होगा, उनकी फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप इसमें पेशेंसली बने रहें, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही जो नई तरीके से वैकेंसी आई है आपकी, उसमें क्या आपके चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपकी जो वैकेंसी थी वो आपकी सितंबर में आई थी और आपका जो सॉरी अगस्त में आई थी और आपका 10 अगस्त से आपके यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हुए थे। अब ये आपके कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल करने का जो रीज़न है वो ये है कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल लेवल पर जो आपका BEd वर्सेज और जो JBT वाला जो मैटर चला हुआ था वो सेंट्रल लेवल पर तो क्लियर हो गया था लाइक KVS में और इन सब में कि अब जो है JBT के एग्जाम में BEd वाले अमान्य होंगे, उनको यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा। बट जब ये आपकी भर्ती निकली थी तो इसके अंदर इस भर्ती में BEd वालों को मान्य किया गया था, यानी कि BEd वाले उम्मीदवारों ने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे। बट अभी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को कुछ भी क्लियर नहीं था, इससे रिलेटेड उन्होंने केसेस भी जो है डाले थे, उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। तो यहाँ पर अब जो है और इंतजार करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज टीचर की शॉर्टेज है। तो इन्होंने उस पूरी भर्ती को कैंसिल करते हुए अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर BEd वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओनली JBT वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको निरस्त करने का जो रीज़न यहाँ पर है वो यही है कि आपका जो JBT और आपका जो वर्सेज चला हुआ था BEd कैंडिडेट वाला, वो एकमात्र रीज़न है यहाँ पर जिसकी वजह से इस भर्ती को निरस्त किया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो आपकी पोस्ट यहाँ पर बढ़ करके आ गई है वो कितनी हो गई है, वो अब आपकी 100 पोस्ट आपकी यहाँ पर बढ़ गई है। पहले 293 थी और आपकी जो पोस्ट अब बढ़ करके हो गई है वो बढ़ करके हो गई है आपकी 396, यानी कि अराउंड एंड अराउंड आपकी 400 पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। आप फीस रिफंड की बात करते हैं कि ऑलरेडी आपके जो रजिस्ट्रेशन थे वो हो चुके थे तो आपकी फीस जो है यहाँ पर वो रिफंड करी जाएगी। ठीक है, आपकी फीस यहाँ पर रिफंड करी जाएगी सभी को, और जिस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से आपने पेमेंट करा था, आपका जो पैसा डिडक्ट हुआ था, वो उसी के अंदर ही आपका प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने जहाँ से भी, अगर आपने सेल्फ करा था तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपने जहाँ से करवाया था तो वहाँ पर चला जाएगा। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो फीस है वो आपकी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको फीस जो है वो रिफंड होगी और आपको फिर से नए सिरे से यहाँ पर आवेदन करना होगा सभी कैंडिडेट को। यहाँ पर उसमें मत रहना कि मैंने तो कर लिया था तो अब मैं दोबारा नहीं करूँगा और मैंने DEd ही कर रखी या फिर मैं डिप्लोमा वाला ही हूँ। तो आपको सभी को यहाँ पर रिफंड मिलेगा और आपको अगेन फिर से अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, इतनी जो चीज़ है वो यहाँ से आपको समझ में आई। अब आपकी अप्लाई जो डेट है वो कब से कब तक यहाँ पर रखी गई है, तो 24 जनवरी 2024 से और 19 फेब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बड़ा जो है आपको टाइम इंटरवल दिया गया, आप इसमें यहाँ पर नए सिरे से अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो मैटर है वो सारा यही है कि BEd वालों को अब यहाँ से बाहर कर दिया गया है, तो ओनली जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वो ही यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, BEd वाले कैंडिडेट यहाँ पर नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी फैसला आया नहीं था तो इन्होंने इस चीज को ही खत्म कर दिया, इन्होंने इस पूरी वैकेंसी को ही जो है निरस्त कर दिया। और इसका वेट करने के बजाय इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया कि भाई हम फिर से इसको निकालते हैं और सिर्फ TEd वाले कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। एज यहाँ पर आपकी 37 ईयर्स जो है रखी गई है, और अगर ईयर को कैलकुलेशन अगर आपने करना है तो 1/1/2024 आपका यहाँ पर रहेगा जिससे आप कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से आपका 37 ईयर जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए है, तो ये आप ध्यान में रखें, 21 से 37 ईयर्स आपको बताई गई है। टोटल रजिस्ट्रेशन आपके प्रीवियस उसमें कितने हुए थे, तो यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा आपके फॉर्म जो है रिसीव हुए थे, तो उसमें आपके BEd वाले भी थे, तो अब आपके हो सकता है कम आए लेकिन फिर भी काफ़ी कैंडिडेट है यहाँ पर, तो आपका कंपटीशन बढ़िया यहाँ पर होने वाला है। तो ये पूरा था इससे रिलेटेड। अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न का वही चीज़ें हैं सारी, आपका 150 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये पूरा मैंने यहाँ पर पैटर्न में आपको समझा दिया। ऑफलाइन आपका ये पेपर जो होने वाला है, पेपर का मोड कैसा रहेगा, पेपर का मोड रहेगा आपका ऑफलाइन। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, पूरा जो है 150 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहने वाला है।
ठीक है, 40% यहाँ पर लिखा है कि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पर इसमें 40% लाने अनिवार्य है। लेकिन अगर किसी के 40% आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मेरिट में चयन हो जाएगा। आपका मेरिट में डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल कैसा है, और जो ऊपर ऊपर के कैंडिडेट हो गए जो भी 396, उनको यहाँ पर उठा लिया जाएगा। ठीक है, उठाने का साइंस ये है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है 15 क्वेश्चन, आईसीटी आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश और पंजाबी आपसे 10 10 10 यानी कि 30 क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज के पूछे जाएंगे, मैथ्स आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, और जनरल साइंस आपसे 15 क्वेश्चन, और सोशल साइंस है वो आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आप कैसे करोगे, आपको 6 to 8 तक का जो है बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो 6 to 8 तक की साइंस, 6 to 8 तक की SST, और 6 to 8 तक का आपको नॉर्मल अगर मैथ आता है, तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी सारी इस फॉर्म से रिलेटेड बात, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा। फीस का रिफंड आपका हो जाएगा सभी को, जिस पर्टिकुलर अकाउंट से, जिस खाते से आपने डिडक्शन कराया था, उसी में ही आपको भेजा जा रहा है। किसी ने अगर कैफे से करवाया था तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो सकता है उनके अकाउंट में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पोस्ट आपकी बढ़ करके अराउंड 100 ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 24 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश करना होगा, और अगेन कह रही हूँ कि फिर से करना है सभी को, सभी का जो है अमाउंट रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, ताकि सभी कैंडिडेट तक ये जानकारी जा सके। बीएड वाले इससे बाहर हो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।